पाकिस्तान में आम चुनाव हो रहे हैं। जानकार कहते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चुनाव संबंधी गलत और भ्रामक जानकारियों से भरे हुए हैं। पाकिस्तान के आम लोग इन गलत जानकारियों का शिकार बन रहे हैं। गलत और भ्रामक जानकारियां लोगों की राय पर असर डाल रही हैं। AI से बना कंटेंट, खासकर डीप फेक से, फेक न्यूज को अलग ही स्तर पर ले जा सकता है। मेरे पाकिस्तानियों, सबसे पहले मैं उस तारीखी काविश पर दावा किया गया कि दिसंबर में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने समर्थकों से जेल में बंद रहते हुए बात कर ली। आप सब शायद सोच रहे होंगे कि जेल में मेरा क्या हाल है। सबसे पहले मैं ये वाजह करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की खातिर जेल में रहना मेरे लिए इबादत के मुतरादिफ है। लेकिन ये सच में इमरान खान की आवाज नहीं थी। उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर ये वीडियो बनाया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरुआत के कुछ सेकंड एक पुरानी रिकॉर्डिंग से लिए गए थे, जैसा कि रिवर्स इमेज सर्च करने पर हम यहाँ देख सकते हैं। बाकी के वीडियो में इमरान खान की AI से बनी आवाज पर तस्वीरें लगाई गई थीं। इसका जिक्र वीडियो पर किया गया था। फिर भी कईयों ने सोचा कि ये सच में इमरान खान की आवाज है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपने हालिया सालाना रिस्क सर्वे में AI से बनी भ्रामक और गलत जानकारियों को आने वाले 2 सालों के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक गलत जानकारियां और सामाजिक अशांति का घालमेल इस साल अहम होगा। इस साल 2 अरब से ज्यादा लोग अमेरिका, भारत और पाकिस्तान समेत कई देशों में वोट डालेंगे। सर्वे में गलत और भ्रामक जानकारियों को पाकिस्तान के लिए 5 सबसे बड़े खतरों में शामिल किया गया है। व्यापक बेचैनी और नाखुशी का एक बुनियादी विषय भी है। देश की संस्थाओं में विश्वास की कमी और लोक लुभावन नैरेटिव, गलत जानकारियों, प्रोपेगेंडा और अर्ध सत्यों का इस्तेमाल कर इसका फायदा उठाते हैं। डर ये है कि अब AI ने पाकिस्तानी चुनावों में गलत जानकारियों का रास्ता खोल दिया है और चुनावों के नतीजों पर इसका एक असल प्रभाव हो सकता है। जानकारी पाने वाला वोटर जो भावुक है, जो सरकारों से उकता चुका है, वो सिर्फ वही बातें सुनना और देखना चाहता है जो इस तरह की बात करे। उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो झूठ है या फिर पार्टी ये कहती है कि ये AI से बनाया गया है। अगर वो कंटेंट उसे संतुष्ट करता है तो ये उसके लिए काम करता है, और यही पाकिस्तान में हुआ है। हमने पाकिस्तान चुनाव से पहले दूसरी तरह की भ्रामक और गलत जानकारियां भी देखी। इस वीडियो में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी के जाने माने नेता जावेद लतीफ को भीड़ से पिटते और भागते देखा जा सकता है। इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस दावे के साथ शेयर किया गया था कि लतीफ पर हमला उस वक्त हुआ जब वो वोट मांगने गए थे, और जब लोगों ने उनके पक्ष में वोट ना डालने की बात कही तो वो उन्हें डराने धमकाने लगे। हालांकि वीडियो पुराना निकला। हमने वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर गूगल लेंस से उसकी जांच की तो वीडियो नवंबर 2017 का निकला, और इसके पीछे कहानी भी दूसरी थी। उस वक्त की खबरों के मुताबिक धार्मिक पार्टी तहरीके लब्बैक धरने पर बैठी थी। जब पुलिस ने उन्हें भगाने की कोशिश की तो प्रदर्शनकर्ताओं ने लतीफ पर हमला कर दिया। खबरों के मुताबिक उस दौरान वो प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर रहे थे। मैं सोचती हूँ कि कुछ राजनीतिक दल गलत जानकारियाँ फैलाने के काम में दूसरों से कहीं बेहतर हैं। उनका संगठन ज्यादा बेहतर है और लोगों तक जानकारियाँ पहुँचाने के उनके संगठित प्रयास काफी ज्यादा अच्छे हैं। कुछ अन्य राजनीतिक दल भी ऐसा करते हैं, लेकिन वो ठीक से नहीं कर पाते। और मुझे तो ये भी लगता है कि एक बात तो ये सभी कहते हैं कि वे गलत जानकारियों का शिकार हुए हैं। गलत जानकारी का एक बड़ा नतीजा जो बिल्कुल साफ देखा जा सकता है वो है भ्रम। ये इतना ज्यादा है कि पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने अपने एक्स अकाउंट पर ऐसे दावों को गलत बताना शुरू कर दिया है। एक गलत दावा जो पिछले हफ्तों खूब वायरल हुआ था वो चुनावों में देरी से जुड़ा था। इमरान खान की पार्टी PTI के अध्यक्ष गौहर अली खान भी इसे दिसंबर में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराते दिखे थे। चुनावी तारीखों का फैसला करने वाली संस्था चुनाव आयोग ने ऐसे किसी भी दावे को कई मौकों पर निराधार और भ्रम पैदा करने वाला बताकर खारिज किया था, और ये भी कहा था कि ऐसी भ्रामक खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कदम उठाए जाएंगे। हालांकि पाकिस्तान में कई लोग चिंतित हैं।
क्योंकि चुनावों की तारीखें पहले ही कई बार आगे बढ़ाई जा चुकी हैं। लेकिन गलत और आधी अधूरी जानकारी पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी समस्या क्यों है? जानकार इस बात पर सहमत हैं कि देश की कम साक्षरता दर एक बड़ी समस्या है, जो कि ग्रामीण इलाकों में और भी कम है। साथ ही ज्यादातर गलत जानकारियां इंटरनेट से फैलती हैं और कई लोग जानते ही नहीं कि इनसे कैसे निपटना है। हमें यकीनन उस दिशा में सोचना शुरू करना चाहिए और मीडिया साक्षरता को स्कूली स्तर पर ज्यादा से ज्यादा शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि यही सही समय है, खासकर हाई स्कूल स्तर पर, जब युवा दिमागों में राजनीति और दुनिया की समझ बढ़ रही होती है और जब वो राजनीतिक मीडिया को पढ़ना समझना शुरू करते हैं। लेकिन सिर्फ साक्षरता या और स्पष्ट कहें तो डिजिटल साक्षरता की कमी की वजह से ही पाकिस्तान को फेक न्यूज का ज्यादा खतरा नहीं है। बहरहाल, मैं पारंपरिक मीडिया पर युवा पीढ़ी के अविश्वास को बड़ी समस्या मानता हूँ। उनका झुकाव ऐसे ज्यादातर विचारों से असहमति का रहता है जो पारंपरिक मीडिया की तरफ से आ रहे होते हैं। जानकार कहते हैं कि एआई का इतना बड़ा रोल नई बात है, फिर भी ये पाकिस्तान में लोकतंत्र और राजनीतिक दलों के लिए संभावित खतरा है। यहाँ कई लोगों को चुनावी प्रक्रिया के ईमानदार और लोकतांत्रिक होने का भरोसा नहीं रह गया है। हाल के चुनावों में इसका असर वोटिंग के अनुपात पर पड़ा है। करीब आधे वोटर ही वोट डालने घरों से निकले। जिन्हें भी इससे फायदा होने जा रहा है वह अलोकतांत्रिक ताकतें हैं, इसलिए इस पूरी प्रक्रिया में लोकतंत्र विफल होता है। चुनावों में फेक न्यूज के इस्तेमाल और इससे बचाव पर आपकी क्या राय है, बताइए हमें कमेंट बॉक्स में।